दोस्तों, अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों, ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों, ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों, ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Disney+ Hotstar पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है, माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो
कहानी तो वही है लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उस जमीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियां पहन लूंगा, और फिर उसे चूड़ियां पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियां क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार,
कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ़ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरेंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Disney+ Hotstar पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ़ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए
भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लॉरेंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ
फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ़ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी
मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है। दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है, माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वे तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी।
जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको, दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उस जमीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूंगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार,
कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ़ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार इफेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Disney+ Hotstar पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए
भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लॉरेंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ
फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है। दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी।
जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लॉरेंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। Disney+ Hotstar पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लॉरेंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक के लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको, दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की, तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार,
कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरेंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Disney+ Hotstar पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरेंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ़ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए
भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लॉरेंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ
फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ़ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है। दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वे तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते वे भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी।
जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघव लोरियंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा,
एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय जरूर से जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लोरियंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है, मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 9 नवंबर 2020 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी लक्ष्मी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों राघवा लॉरेंस, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.5 की रेटिंग दी गई है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 47% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से इस मूवी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, अमिका सेल, तरुण अरोरा, एलेना रोक्साना, मारिया फर्नांडिस आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ की। दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 21 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको। दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, Disney+ Hotstar पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो आसिफ, अक्षय कुमार और रसीम कियारा की शादी हुई है, लेकिन ये इंटर रिलीजन है, दोनों ने भागकर शादी की है। आसिफ चाहता है कि उसकी पत्नी रसीम एक बार फिर अपने परिवार से मिले और उनसे जुड़े। रसीम के माँ बाप की शादी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है और फिर उसकी माँ उसे घर बुलाती है। बस यहीं से हो जाती है इस फिल्म की कहानी शुरू। आसिफ फैसला लेता है कि इस बार तो वो रसीम के परिवार को मना कर रहेगा, लेकिन घर आते वक्त आसिफ उसे ज़मीन पर पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आसिफ हर बात पर बोलता है माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूँगा, और फिर उसे चूड़ियाँ पहननी ही पड़ती है क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा आ गई। लेकिन आसिफ ने चूड़ियाँ क्यों पहनी, उसका एक उद्देश्य है जो बेहद इमोशनल है। ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं दोस्तों आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को एक बार से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको। दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो अगर आपने राघव लॉरेंस की तमिल फिल्म कंचना देखी है तो कहानी तो वही है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा नया है। पहला सीन जोरदार है और अक्षय कुमार की एंट्री धमाकेदार है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपको लगता है कि फिल्म तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए तब उसके नाटकीय सीन पूरा फेस ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता है। इतना ज़रूर है कि फिल्म में लक्ष्मी की एंट्री धमाकेदार है और अक्षय कुमार ने जो अपने किरदार को जिया वह तारीफ़ के काबिल है। एक लंबे समय बाद अक्षय ने कॉमेडी के रहते हुए
भी सीरियस किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। लक्ष्मी के किरदार में शरद केलकर का किरदार बहुत छोटा है मगर छाप छोड़कर जाता है। अगर दोस्तों आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता तो इस मूवी को आपको दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स भी हैं जो भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय करने के लिए मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।